दोस्तों, सब्जियों की खेती करके जहां पर हम लाखों रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं, वहीं पर कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है। जितना खर्चा हम लगाते हैं उतना खर्चा भी ठीक से नहीं निकल पाता है। काफ़ी किसान भाई हैं जो लगातार सब्जियों की खेती करते हैं और लगातार मुनाफे में रहते हैं, लगातार सब्जियों से अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं। वहीं पर कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो सब्जियों की खेती तो करते हैं लेकिन मुनाफा ठीक से नहीं निकाल पाते हैं, और इसका मुख्य जो कारण होता है वो ये होता है कि सही समय पर सब्जियों की बुआई ना करना। अगर आप सही समय पर सब्जियों का चुनाव नहीं करेंगे तो मंडी रेट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। उत्पादन हालांकि आपको अच्छा मिल सकता है लेकिन जब तक आपको मंडी प्राइस अच्छे नहीं मिलेंगे, मंडी भाव आपको टॉप के नहीं मिलेंगे, तब तक सब्जियों की फसलों से अच्छा मुनाफा नहीं लिया जा सकता। जब तक सही समय पर आप सही सब्जियों का चुनाव नहीं करेंगे तब तक अच्छा मुनाफा आप सब्जियों की खेती करके नहीं ले सकते। 2024 में फरवरी और मार्च महीने में जो किसान भाई सब्जियों की खेती करेंगे, इस सीजन में फरवरी और मार्च इन दोनों महीने में जो भी किसान भाई सब्जियां लगाएंगे, यकीन मानिए कि प्रॉफिट में रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई गई सब्जियां मार्केट में सबसे महंगी बिकेंगी और सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाली है, और सबसे ज्यादा मुनाफा भी वही किसान भाई ले पाएंगे 2024 में जो फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियों का आपको चुनाव करना है और क्यों फरवरी और मार्च महीने में लगाई गई सब्जियों से आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2024 में ऐसा क्या है कि फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां लगाने पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें उन सब्जियों से मिलेगा या सबसे ज्यादा मंडी भाव हमें इन सब्जियों से मिलेंगे फरवरी और मार्च महीने में लगाने पर। तो चलिए इसको हम समझते हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, आज से 3 से 4 साल पहले की बात की जाए तो उस समय क्या होता था कि फरवरी और मार्च महीने में सबसे ज्यादा सब्जियां लगाई जाती थी। किसान भाई जितने भी थे जो सब्जियों की खेती करते थे, सबसे ज्यादा फरवरी और मार्च महीने में ही सब्जियां लगाते थे, आज से 4-5 साल पहले की बात की जाए तो। उसके बाद में मार्केट में लौटना लाया और धीरे धीरे किसान भाई जो है वो अगेती सब्जियों की तरफ जाने लगे, क्योंकि अगेती सब्जियों के उस समय और भी ज्यादा मंडी भाव मिलते थे, काफी शानदार मंडी भाव मिलते थे। जिस समय पे मैंने सबसे अगेती सब्जियां लगाई थी, मतलब आज से 6 साल पहले की बात करूं, तो उस समय तरबूज भी 25-26 रुपए केजी तक बिका था शुरुआत में, जिस समय हमने दिसंबर और जनवरी में जो तरबूज लगाया था। मतलब उस साल मैंने लगभग 10 जनवरी के आसपास लोटनल में तरबूज लगाया था, और जिस समय पे हमारा तरबूज मार्केट में गया था उस समय पे लगभग 24-25-26 रुपए तक तरबूज बिका था उस समय पे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज उतने ज्यादा मंडी भाव अगेती सब्जियों के, हालांकि अगेती सब्जियों के वापस मंडी भाव मिलते हैं लेकिन उतने ज्यादा अब नहीं मिलते हैं। इसका कारण है क्योंकि अब क्या है कि ज्यादातर किसान भाई, यानी कि ज्यादातर नहीं, लगभग किसान भाई जो भी सब्जियां लगाते हैं वो नवंबर दिसंबर में सबसे ज्यादा सब्जियां लगाई जाती हैं, चाहे आपकी तरबूज और खरबूजे की फसलें हों या फिर आपकी चाहे बाकी सब्जियां हों, सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती होती है नवंबर और दिसंबर महीने में, और उसके बाद में कुछ किसान भाई बच जाते हैं वो जनवरी में भी लगा देते हैं। लेकिन फरवरी माह में सब्जियां नहीं लगाई जाती है और मार्च में तो बिल्कुल कम लगाई जाती है। और फरवरी माह में सब्जियां ना लगाने का एक और कारण भी है कि फरवरी में अगर हमें सब्जियां लगाएंगे तो नवंबर में ही हमें जमीन खाली छोड़नी पड़ती है, क्योंकि सब्जियों के अलावा हमारी बाकी फसलों की बुआई भी जो है नवंबर, अक्टूबर नवंबर महीने से बुआई होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमें फरवरी में सब्जियां लगानी है तो उस समय हमें जमीन खाली छोड़नी पड़ती है, और ऐसा कोई भी किसान भाई नहीं करता है। जिसको सब्जियां लगानी होती है वो नवंबर दिसंबर और जनवरी माह में ही लगा लेते हैं, और बाकी जो खेत होता है उनका उसको खाली ना छोड़ने की बजाय और कोई फसलें उसमें लगा देते हैं। यानी कि फरवरी में जमीन खाली ही नहीं रहती है गिने चुने किसान भाइयों के अलावा। इसलिए इन बीते 3-4 सालों की बात की जाए तो इन 3-4 सालों में फरवरी और मार्च महीने में काफी कम किसान भाई हैं जो सब्जियां लगाते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि जिस समय पे दिसंबर जनवरी वाली सब्जियां जिस समय पे ख़त्म होती है उस समय पे मार्केट में सब्जियों की जो आवक होती है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम सब्जियां आपको देखने को मिलती हैं। इस वजह से अगर आप फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां लगाएंगे तो जिस समय पे अगेती सब्जियां खत्म हो जाएंगी उस समय पे आपकी सब्जियों की आवक शुरू होगी, और उस समय पे
फरवरी और मार्च महीने में लगाई गई सब्जियों के आपको काफी शानदार अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि अगेती सब्जियों में हमारा खर्चा जहां पर लाखों में होता है, वहीं पर 10-15 हजार एकड़ का खर्चा आपका इस समय पे होगा, क्योंकि उस समय पे हमारा जो लोटनल का खर्चा होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। लगभग 40-50 हजार रुपए एक एकड़ का हमारा सिर्फ लोटनल का खर्चा हो जाता है। 40,000 रुपए आप मान के चलिए, 40,000 रुपए एक एकड़ का लोटनल का खर्चा हो जाता है, और लगभग 12-15-16 हजार रुपए के आसपास आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में प्लास्टिक मल्च लगाना भी काफी जरूरी होता है। लेकिन इस समय पे अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो ना ही तो आपको लोटनल का खर्चा करना पड़ेगा, और प्लास्टिक मल्च हालांकि कुछ सब्जियों में जरूरी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो गर्मियों में बिना प्लास्टिक मल्च के भी सब्जियां कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि प्लास्टिक मल्च लगा के सब्जियां लगाएंगे तो उत्पादन आपका और भी बेहतर आपको मिलेगा। तो प्लास्टिक मल्च का खर्चा तो आप कर सकते हैं, लेकिन लोटनल का खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं पर अगर हम अगेती सब्जियां लगाते हैं उसमें लोटनल का खर्चा इतना ज्यादा होने की वजह से अगर 30-40 रुपए के मंडी भाव भी किसी सब्जी फसल के हमें मिलते हैं तो वो भी हमें कम लगते हैं। और फरवरी और मार्च महीने में सब्जियों का खर्चा काफी कम होगा, तो लगभग 20-25-30 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाएंगे तब भी ये सब्जियां आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जाएंगी। और तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फरवरी और मार्च महीने में हमारी सारी जमीनें खाली हो जाएंगी, सारी फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी, और इस समय पे और कोई फसलें हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं होती है लगाने की वजह से। तो सब्जियां अगर आप लगाएंगे तो आपकी जमीन खाली भी नहीं रहेगी, जमीन पड़ी भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद में जून जुलाई तक हमारी जमीन ऐसे ही खाली पड़ी रहती है। तो उस जमीन में अगर आप ज्यादा भी नहीं पहली बार लगा रहे हैं फरवरी मार्च में, तो थोड़े से एरिया में आप फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां लगा के देखें, काफी अच्छा प्रॉफिट ये सब्जी आपको देकर जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस समय पे आपको कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए फरवरी और मार्च महीने में जो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देके जा सके। तो इस समय पे आप मिर्ची लगा सकते हैं, टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं, टमाटर भी गर्मियों में अच्छा उत्पादन देके जाता है और अच्छे मंडी भाव देके जाता है। उसके बाद भिंडी की खेती आप कर सकते हैं, भिंडी के भी गर्मियों में आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिलते रहते हैं। सब्जियों वाला ग्वार लगा सकते हैं आप, उसके भी काफी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आप लौकी लगा सकते हैं, लौकी में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मार्च महीने में भी आप लौकी लगाएंगे तब भी आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो में बताया था, उसके बाद में जिन किसान भाइयों ने उस समय पर लौकी लगाई थी, लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि गर्मियों में लौकी के जो मंडी भाव थे 40-50-60 रुपए तक किसान भाइयों को मिले थे। तो गर्मियों में आप सब्जियां लगाइए, काफी अच्छे प्रॉफिट आपको देखे जाएंगे फरवरी और इन मार्च, इन दोनों महीनों में जब भी आपके खेत खाली हो जाए उसी समय पे आप सब्जियों की तैयारियां शुरू कर सकते हैं और सब्जियों की फसलों से काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।